यहाँ पे जो JKSSB क्लास 4 का जो रिजल्ट है ये इतना लेट यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्या उनकी इसमें इतनी वजह है जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिले हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों पूरी बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए जिन्होंने भी यहाँ पे JKSSB क्लास 4 के यहाँ पे जो एग्जाम यहाँ पे दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप मिस ना कर सको। दोस्तों इस चैनल पे आपको JKSSB के रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसको सबसे पहले इसी चैनल पे दिखा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो JKSSB क्लास 4 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिले क्यों हो रहा है उसकी जो खास बड़ी वजह है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले भी आपको चीज बता दूं, बच्चे यहाँ पे ये कमेंट करके बोल रहे थे कि जो कश्मीरी जो माइग्रेंट्स के जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे रिजल्ट आ गया था, तो यहाँ पे क्लास 4 का रिजल्ट क्यों यहाँ पे जल्दी नहीं आ रहा। दोस्तों मैं आपको ये चीज बता दूं यहाँ पे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के यहाँ पे जो फॉर्म लगे थे बहुत ही कम फॉर्म थे, इसलिए वो उसके साथ साथ वो CBT बेस पे एग्जाम हुआ था आपका, कंप्यूटर बेस टेस्ट हुआ था आपका, तो इसीलिए वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जल्द यहाँ पे निकाल दिया गया था। बट दोस्तों आपको चीज पता है कि 3,40,000 बच्चों ने यहाँ पे जो क्लास 4 का जो रिटन एग्जाम यहाँ पे दिया है जो की MCQ टाइप था, दोस्तों उनको चेक करने में भी काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे लगता ही है क्योंकि आपकी जो OMR शीट होती है वो कंप्यूटर बेस यहाँ पे चेक की जाएगी। दोस्तों कहीं ना कहीं आपका थोड़ा डिले यहाँ पे होता ही होता है अगर आप यहाँ पे CBT नहीं देते हो। दोस्तों यहाँ पे चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे 3,40,000 बच्चों ने यहाँ पे जो फॉर्म फिल किया था उसमें से भी यहाँ पे JKSSB ने काफी ज्यादा यहाँ पे डेट एक्सटेंड करके बच्चों को ये चीज बोल दिया था कि आप यहाँ पे जो आपके प्रेफरेंसेस के जो ऑप्शन है उसको आप भर सकते हो, बट दोस्तों काफी बच्चों ने उसको अभी तक यहाँ पे फिल नहीं किया था, तो JKSSB ने ये चीज कह दी थी कि 2 मई के बाद वो जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं करेगी। जिस बच्चे ने भी ये चीज नहीं फिल की होगी, प्रेफरेंस के ऑप्शन फिल नहीं किए होंगे, उसको इसका जो भुगतान जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो रिजल्ट डिले होने की वजह जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, अब दोस्तों क्वेश्चन ये होता है कि जो रिजल्ट है वो कब तक यहाँ पे आने की संभावना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, 15 से लेकर 20 मई के बीच बीच आपको जो रिजल्ट है वो कभी भी यहाँ पे JKSSB निकाल सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड डेट्स है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि इतनी तारीख को ही निकलेगा, हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस बीच में ऐसे आ जाए कि जिसकी वजह से रिजल्ट पहले या फिर लेट आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली कंडीशंस को देखते हुए ये लग रहा है यहाँ पे कि 15 मई से लेकर 20 मई के बीच बीच आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। बस दोस्तों आपको थोड़े ही दिन वेट और करना है, आपका जो रिजल्ट है आपके सामने यहाँ पे होगा। जो बच्चे भी यहाँ पे इसमें सिलेक्ट होंगे उनको पहले से मैं कांग्रेचुलेशन यहाँ पे बोल देता हूँ, और जो नहीं होंगे दोस्तों आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि अभी आपकी जो जिंदगी के आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो आपका भी इंतजार कर रहे हैं, तो आपको उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। सो दोस्तों जैसे JKSSB के रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट